और आज सभापति महोदय अधीरदा उठकर कह रहे थे कि मणिपुर के सांसद क्यों नहीं बोले। उस समय मणिपुर का सांसद इस सदन में रोते रोते हुए उनका वक्तव्य क्या था इस संसद में मैं पूछना चाहता हूं। जब आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी, मणिपुर के सांसद ने इस संसद में 1993 में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, एंड आई कोट, द स्टेट गवर्नमेंट इज हेल्पलेस, इट हैज नो फंड्स, द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इवन अफोर्ड टू परचेस वेपन्स फॉर द सिक्योरिटी पर्सन्स टू फाइट इंसर्जेंट्स। प्लीज ये सुनिएगा, प्लीज थिंक दैट मणिपुर इज अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, इट अफेक्ट्स द होल नेशन। शायद कांग्रेस के नेता को इन शब्दों को सुनना चाहिए था कल यहां भाषण देने के पहले। मुझे आज सभापति महोदय मुजफ्फर वारसी जी की शब्द याद आती और मैं कोट करना चाहता हूं, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें, कल गृह मंत्री जी ने सदन में पूरा व्याख्यान दिया, इनके मंत्री संतरी न तंत्री एक बार भी मणिपुर गए। हमारे गृह मंत्री 3 दिन वहां रात दिन बिताए हैं, हमारे राज्य मंत्री ने 23 दिन, नित्यानंद राय जी ने मणिपुर में बैठकर स्थिति का जायजा लिया। आज राहत राशि वहां पहुंची है, अनाज पहुंचा है, वर्चुअल सिस्टम से स्कूल्स चल रही हैं, आर्मी की फोर्स पहुंची है, इवैक्यूएशन में हम मदद कर रहे हैं, जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आंकड़े की आप बात करते हो तो आंकड़े की पुष्टि करो, ये पिछले 9 साल मणिपुर में सबसे शांतिपूर्ण समय रहा है इंसर्जेंसी के दृष्टिकोण से। आपके 10 साल से 3 गुना कम इंसर्जेंसी हुई है और 6 गुना कम सिविलियन डेथ्स आज मणिपुर में हुआ है। सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते थे 1 दशक पहले, तो चित्र हमारे दिमाग में आता था, हिंसा का चित्र आता था, आतंक का चित्र आता था, अस्थिरता की चित्र आती थी। और उसके पीछे एक कारण, उसके पीछे कारण यह है कि दशकों से जो सरकार रही थी उनकी सोच विचारधारा थी कि अगर बॉर्डर विलेजेस में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगर विकास किया तो वहां जागरूकता उत्पन्न होगी, इसलिए उन्हें विकास से वंचित रखा जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने 2015 में, देश के प्रधानमंत्री ने पहला कदम लिया, जो भी हिंसक संगठन थे मणिपुर के उनके विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक करके म्यांमार तक खदेड़ के भेज दिया था सभापति महोदय। और उसके बाद पहला कदम जो लिया विकास व्यापक सोच के साथ, एक विचारधारा के साथ, उन्होंने एक विकास का मंत्र दिया सभापति महोदय, विकास का मंत्र दिया हीरा, क्योंकि उत्तर पूर्वीय क्षेत्र भारत का हीरा है। हीरा मतलब हाईवे, हीरा मतलब इंटरनेट, हीरा मतलब रेलवेज, हीरा मतलब एविएशन। और जिस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केवल 2500 करोड़ का रेलवे बजट होता था, आज 10,000 करोड़ रुपए का रेलवे बजट है। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि मेघालय जैसे राज्य को 100 साल इंतजार करना पड़ा, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने, कि मेघालय को अपने 100 साल में पहला स्टेशन मिला जब बीजेपी और एनडीए की सरकार। नागालैंड को 100 साल बाद शोकुवी में एक रेलवे स्टेशन, दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। और इसी के साथ साथ
जब यूपीए की सरकार थी उस समय सड़क की प्रगति और विकास, गडकरी साहब यहां बैठे हुए हैं, 1.5 किलोमीटर प्रतिदिन की कछुआ चाल के आधार पर चलती थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।